Which guru? Our dost, barista dost. Kidhar hai wo? He's in Canada. Yeah. Is he this way? Piche. Sir, better. कुछ हम लोग में कुछ मार मेरा यही हालत है ये सब कुछ हो रहा है मेरे को एक ब्रोंकियल स्नैक्स में बिजी हो रहा है Thank you so much. Thanks for coming. That's the rose. Hi, Sadhana. Namaskar ji, kaise hain? Nice to see you. Good to see you. And to you too. Please stay down. Thank you. Thank you. Thank हाँ तो मैं ये कह रही हूँ कि मैं इन सभी का शुक्रिया करती हूँ खासतौर पर मैं यहाँ पर पधारे पंडित विश्व मन भट्ट साहब का खास धन्यवाद करती हूँ कि ये यहाँ पे अपना समय निकल कर आए हेलो कैन यू जस्ट ये जो पीछे से आवाज आ रही है ना डिलेड उसको थोड़ा बंद करें आप मुश्किल है बिकॉज़ व्हेन यू आर टॉकिंग वो रिफ्लेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है क्योंकि क्या होता है कि जैसे आपको लगता है कि कोई पीछे खड़ा है और बात कर रहा है आपसे हेलो 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 तो पंडित जी का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी ये पास में भी पहले भी हमारे हर इवेंट में आते रहे हैं मैंने जब बोला मिले साहब को ये बुक की थी उस समय भी ये आए थे पंडित जी और एल्बम रिलीज किया था दुआ उस समय भी आए थे पंडित जी और आते हैं हमारा हौसला बढ़ाते हैं और आई एम सो हैप्पी थैंक यू वेरी मच पंडित जी फॉर कमिंग आपके आशीर्वाद और सतत हमारे मार्गदर्शन आपका हमेशा चाहिए और साथ में हमारे साथ में विनाश जी जो कि गजल गायकी के क्षेत्र में सबसे बड़ा नाम है और इतना बड़ा मुकाम है और साथ में मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी बन गई है साथ काम करने अभी किया है साथ में और आगे भी करना है विनाश जी का भी बहुत शुक्रिया करती हूँ फिरोज जी आपका आपका आना मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था लेकिन आप आए बहुत शुक्रिया रमेश भटकर ये मेरे समधी भी होते हैं और इससे खास रिश्ता भी है और मराठी फिल्म और छोटे पर्दे के एक जाने माने ये कलाकार हैं इनका भी मैं बहुत शुक्रिया करती हूँ अपने व्यस्त समय से यहाँ पर पधारे साथ में जस्टिस रुद्रा भाटकर मेरी समधन ये भी हमेशा मेरे हर प्रोग्राम में आती है और हौसला बढ़ाती है थैंक यू हाँ मजबूरी भी है और वो खुद बहुत अच्छा संगीत समझती है और अप्रिशिएट करती है यहाँ पे आए मेरे सारे फ्रेंड्स वृंदा परवीन और शाजिया उसके बाद तारा वृंदा और स्वाति भावेश्वर है उनको मैं क्या शुरू कर दूँ ये तो मेरे हमेशा साथ है ही है और स्वाति का खास शुक्रिया धुली नहीं हूँ भावेश के साथ में तुम्हारा नाम लेना चाहती हूँ और सारी एनसीपी टीम विवेक जी और प्रयास डॉक्टर मनीष को भूलिए चार और कोने में बैठे हैं और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं
बहुत अच्छी गजल गाते हैं और आपको भी बहुत शुक्रिया। मेरा नहीं, मुझे रोमांटिक नंबर करने का मन है एंड वी एंड अप डूइंग दिस सॉन्ग लाइक दैट। और हरी जी हमेशा से मेरे लिए एक मुकाम रहे हैं, मैं उनकी बहुत बड़ी हार्डकोर फैन हूँ और वो मेरे गुरु स्थान पे हैं, मैंने गुरु स्थान पे मानती हूँ। पंडित जी है, हरी जी है, उनके बारे में कुछ कहना मेरे लिए मुनासिब नहीं होगा। और लेकिन इन्होंने मेरे लिए गाना बनाया, बहुत सुंदर तरीके से बनाया और उतने अच्छे से मुझसे गवा लिया इन्होंने। मैं बहुत डरती थी, बहुत डर रही थी कि इनके सामने मैं कैसे गा पाऊंगी, पर उन्होंने मुझसे गवा लिया ये। और अक्षय इनका बेटा जो है उसने बहुत अच्छे उसको ये किया है, उसका प्रोग्रामिंग सजाया है। ये एक मोतियों की माला है जो शायद आपको पसंद आएगी और आप लोग भी सुनिए और अपने दोस्तों को भी सुनाइए। और आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू टी सीरीज जिन्होंने गाना मुझे प्लेटफॉर्म दिया इसको लॉन्च करने के लिए। और यहाँ पे आए हुए सब मीडिया सभी का मैं बहुत शुक्रिया करती हूँ। मेरी पीआर शोभा और पीछे बैठी है और बहुत भाग दौड़ की इसने, अश्विनी जी का भी बहुत शुक्रिया करती हूँ। और अभी आगे का हाल आप पर्दे पे देखिए। थैंक यू। यही कहूँगा कि साधना जी सीखी हुई है गाना बजाना और इस प्रोजेक्ट के लिए मेरे ख्याल से एटलीस्ट 4-5 बार उन्होंने उज्जैन से आई हैं और the sincerity with which she learned the song and उस पर रियाज किया इन्होंने। मैंने कहा कि आप टाइम एक टाइम फ्रेम मत दीजिएगा, आप गाते रहिएगा, whenever you want come perform with the song, उसको सुनिएगा क्या एक एक हो जाएगा गाने के साथ, तब जाके गाना बनता है। एंड आई एम वेरी हैप्पी द वे शी इज रेंडर्ड द सॉन्ग एंड आई होप ऑल ऑफ यू एंजॉय इट। थैंक यू। Oh,